Okay. Good morning, class. Today we are going to study about matter. This is the chapter 1 for class 9, chemistry. Okay. First of all, we are going to know about what is matter. My dear student, the world, our surrounding is full of different types of matter. You must know about what is the matter. Matter is nothing but all the substance which have some shape and occupy a space. That type of substance is called matter. For example, जैसे ये marker का एक particular shape है. उसके बाद ये marker क्या कर रहा है? इस space में, ये क्या पूरे space में? इसमें ये इस space को occupy कर रहा है. अगर इस space को किसी दूसरे marker से हम replace करना चाहेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? You have to shift this marker from that space and put it on that space. Okay? For example, आपका building है, आपका घर बना हुआ, आपका house है, वो क्या है? एक shape में बना हुआ, उसके बाद वो क्या करेगा? उस space में वो क्या करेगा? एक place को occupy करेगा, space को occupy करेगा. Building क्या हुआ? Matter हो गया. Book क्या है? Matter हो गया. Pen क्या है? Matter हो गया. Those substances which occupy space and have some shape, that all the substance is called matter. Okay? तो ये matter के बारे में समझ गया. और हम लोग देखो, जब हम लोग history में पढ़ते हैं, तो हमारे जो ancient philosopher हुआ करते थे, जो ancient philosopher हुआ करते थे, उनका thought क्या था? वो सोचते थे, उनकी जो philosophy हुआ करती थी, वो philosophy क्या थी? कि जो भी substance है, जो भी matter होते हैं, they are made from 5 substances. हर एक substance, हर एक matter 5 तत्वों से मिलके बना होता है. वो 5 तत्व क्या था उनके philosophy में? उनके philosophy में वो 5 तत्व हुआ करता था. क्या-क्या हुआ करता था बेटा? वो सब जो हुआ करता, सबसे पहला तत्व क्या होता है? Air. Then water. Then soil. Then sky, and the last one is fire. These are the 5 substances from which any matter is made up of. This is the philosopher of our ancestor. हम लोग जो ancestor हुआ करते थे, उनका philosophy क्या था? कि world में या environment में या हमारे surrounding में जितने भी substances पाए जाते हैं, ये सारे substances इन्हीं 5 चीजों से मिलके बना होता है. ये 5 चीज क्या थे? Air, water, soil, sky, fire. But modern philosopher, modern scientist, unka kya manna hai? They believe that matter is made up of atom or molecule. The modern scientist believe that matter is made up of atom and molecules. Now there is question in your mind that what is atom? Atom is a substance whose independent existence is present in environment. जिस भी substance का independent existence हो, उसको हम लोग atom बोलते हैं. For example, hydrogen. अगर H ion है, oxygen O है, एक atom है oxygen का, तो वो क्या है? Independent exist कर रहा है. ठीक है? जब किसी भी substance का independent existence मिले, for example, H2. हमारे environment में hydrogen किस form में मिलता है? H2 के form में. Means, दो hydrogen combine करके, फिर क्या बनाता है बेटा? H2 को बनाता है. ये H2 क्या है? Molecules है. जैसे water, water H2O, it is also molecules. क्योंकि दो molecules, दो atom hydrogen का combine करके, एक oxygen के atom के से combine करके, और एक molecule of वाटर को फॉर्म किया. फिर से समझो, जैसे H2O है, ये H क्या है? एक एटम है. यहां पे H2 मतलब क्या? दो एटम. एटम जो होता जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है हमारे एनवायरनमेंट में. क्या हाइड्रोजन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? किसी भी सब्सटेंस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पाया नहीं जाता. वो क्या करेगा? हाइड्रोजन एक एटम नहीं मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा? H प्लस H मिलके दो H2
कर रहा है किसका, वाटर का। तो यही डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल्स का। एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है बट मॉलिक्यूल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। वो क्या करता है, एनवायरमेंट में रिएक्ट, किसी के साथ रिएक्ट करके और मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहां पे क्या है, दो एटम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये डिफरेंस है हमारा एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव क्या करते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बट आवर एशियन फिलोसोफर बिलीव दैट मैटर इज मेड फ्रॉम एयर, वाटर, सॉइल, स्काई एंड फायर। दीज आर द फाइव तत्व फ्रॉम व्हिच मैटर इज मेड अप ऑफ। ओके, आफ्टर दैट हम लोग क्या करने जाएंगे, हम लोग करेंगे मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है दो बेस पे किया गया, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अनदर इज केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो में। एक क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्या मिला, केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या याद रखना बेटा, जब हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो मेनली फॉर योर स्टडी मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लास एंड दैट क्लास इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर द थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कौन सा क्लासिफिकेशन है, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। जब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे, याद रखना यहां पर एक चीज कि मॉडर्न साइंटिस्ट में अभी रिसर्च कंटिन्यू है। जो मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है वो थ्री से बढ़ा के फाइव में किया जाता है। थ्री पार्ट में नहीं डिवाइड किया जाता, उसको फाइव में किया जाता है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा जो नंबर होता है वो होता है प्लाज्मा स्टेट, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलता है। जो पांचवा स्टेट होता है उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, जो कि सुपर कूल्ड मॉलिक्यूल का होता है। जब किसी भी चीज को सुपर कूल करते हैं वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट में पाया जाता है। जब बहुत हाई टेम्परेचर पर जाते हैं तो हमको प्लाज्मा स्टेट के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। बट हम लोग क्या देखेंगे, मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, आफ्टर द फिजिकल क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन। जब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लास एंड दैट इज एलिमेंट, मिक्सचर, आफ्टर मिक्सचर दैट इज कंपाउंड। दीज आर द थ्री क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। केमिकल क्लासिफिकेशन एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, दैट द मैटर पार्टिकल्स इज वेरी वेरी स्मॉल। Particles of matter is very very small. What is the first characteristic of matter? Particles of matter is very very small. ठीक है? The first characteristic of matter is matter. The particles from which the matter is made up of, they are very very small. And what is the smallest unit of matter? Atom, molecules, these are the smallest unit of atom of matter. हम लोग क्या, जो मैटर है वो किससे बना होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होते हैं। वही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। और ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज नॉट ए वी कैन नॉट बी एबल टू सी विद नेकेड आईज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज,
they can be seen with the help of microscope. They are micron in nature. Their size is of micron. Okay? That's how we call that particles of matter is very very small. अब इस चीज़ को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? इसके सिंपली हम लोग क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं. ठीक है बेटा, क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे. ठीक है, इस बीकर में क्या करेंगे? KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेंगे. इस बीकर में क्या लेंगे? पोटासियम परमैंगनेट लेंगे. ठीक है, जब और एक चीज याद रखना, पोटासियम परमैंगनेट जो है उसका डार्क पर्पल कलर होता है. इस KMnO4 को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटासियम परमैंगनेट. इसका कलर क्या होता है? डार्क पर्पल, पर्पल कलर होता है. पोटासियम परमैंगनेट क्या होता है? डार्क पर्पल कलर होता है. ठीक है, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट एक बीकर में लिए. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस पोटासियम परमैंगनेट को हम लोग डाइल्यूट करेंगे. किसी भी चीज को डाइल्यूट कैसे किया जाता है? सिंपली वी आर गोइंग टू ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. व्हेन वी ऐड वाटर इन इट इन पोटासियम परमैंगनेट, देन इट्स गेट डाइल्यूटेड. मींस इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4 is going on decreasing. When the concentration of some substance decrease, that means we are going to dilute them. हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा वाटर लेंगे और उसको क्या करेंगे? पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे. जब हम इस सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करेंगे, अब इसका क्या था? डार्क पर्पल कलर था. क्या देखेंगे? आफ्टर डायल्यूट करने के बाद, डायल्यूट किस चीज से करेंगे? वाटर से. हम लोग क्या देखेंगे? जो ये डार्क पर्पल कलर है, ये जो कलर है पोटासियम परमैंगनेट का, वो लाइटर होते जा रहा है. ठीक है, मान लेते हैं यहां पे थोड़ा लाइट हुआ, फिर और वाटर ऐड करेंगे और लाइट कलर होते जाएगा. मतलब डार्क पर्पल से वो लाइट पर्पल की ओर कन्वर्ट होते जाएगा. इसी तरह हम लोग और वाटर ऐड करते जाएंगे. किस सॉल्यूशन में बेटा? पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में. तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो कलर है डार्क पर्पल कलर, वो पहले लाइट पर्पल कलर में कन्वर्ट होगा और फिर वाटर ऐड करेंगे, क्या देखेंगे? यही कलर पिंक में कन्वर्ट हो जाता है. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक में. अब ये क्यों हो रहा? ये कलर में चेंजिंग क्यों हो रहा? बिकॉज पोटासियम परमैंगनेट वो क्या है? वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं? When we dilute कर रहे हैं, वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं? स्मॉल पार्टिकल्स डायल्यूट होते जा रहे हैं, डिफ्यूज होते जा रहे हैं और उसके कलर को कम करते जा रहे हैं और वो अपना डार्क पर्पल से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल इन नेचर. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. एंड व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? The second properties of matter is that particles of matter having a space between them. Particles of matter having a space between them. Particles of matter having a space between them. Okay? Now the first property kya tha uska? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन नेचर. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. अब इस एक्सपेरिमेंट को कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? सिंपली कुछ नहीं करना है. इसमें क्या करना है? एक बीकर लो जिसमें क्या हो बेटा? वाटर हो और इसके वॉल्यूम को मेजर कर लो. मानो इसका वॉल्यूम यहां पर वाटर है. ठीक है, उसके बाद क्या करो? इसमें थोड़ा सा शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लो. क्या करेंगे? शुगर या साल्ट को ऐड करेंगे. तो सिंपल जी बताओ, ये वाटर है, लिक्विड है. जब ये लिक्विड है, वाटर है और इसका वॉल्यूम यहां पे है, जब इसमें कोई भी चीज हम ऐड किए तो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम इंक्रीज. क्या हम थोड़ा शुगर डालते हैं, क्या वॉल्यूम इंक्रीज करता है? जब हम लोग थोड़ा सा अमाउंट ऑफ शुगर डालेंगे या साल्ट डालेंगे, क्या देखेंगे? द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दैट बीकर विल नॉट इंक्रीज. व्हाई द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दैट बीकर विल नॉट इंक्रीज?
because the sugar which we add in this water take the space that exists between two molecules of water. ये sugar molecule क्या करेंगे? जो water molecule के बीच में जो space है, उसके बीच में आकर अपना space को occupy करेंगे. फिर क्या करो? फिर sugar डालो. After sometimes क्या देखेंगे? जो sugar डाल रहे हैं, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? वो sugar molecules उसके स्पेस में ऑक्यूपाई फुलफिल कर देता, उसके स्पेस को फुलफिल कर देता, फिर क्या करता? और हम लोग मिक्स करते जाओ, उसका क्या देखेंगे? वो सुगर मॉलिक्यूल्स हमको नेकेड आई से दिखेगा. इसका मतलब क्या है? जो कुछ स्पेस था दो वाटर मॉलिक्यूल्स में, वो स्पेस जब फुलफिल हो गया सुगर मॉलिक्यूल्स या साल्ट मॉलिक्यूल से, उसके बाद उसकी कैपेसिटी जब खत्म हो गई स्पेस का, तो वो क्या किया? फर्दर एडिशन जब किए, वो अपने अंदर उसको मिक्स नहीं कर पाया, उसके अंदर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं कर पाया. वो क्या करेगा? नीचे में सेटल डाउन कर देगा, सेडिमेंट कर देगा. सेडिमेंट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी. ठीक है, तो ये चीज, ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? यही कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. नाउ this is the second properties या characteristic of matter. Now we are going to study about the third properties या third characteristic of matter. What is the third characteristic of matter? The third characteristic of matter is that matter are moving continuously. The particles of the matters are moving continuously. They are in random motion. How we are going to prove this experiment? Simply, what you have to do? Take a beaker full of water. Okay, take a beaker full of water and add copper sulfate. What is copper sulfate? CuSO4. इस beaker में क्या करो? Water है. इसमें क्या करते हैं हम? Copper sulfate, CuSO4 को add करते हैं. ठीक है, CuSO4 का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू होता है. ठीक है, जब देखेंगे, जब मान लो एक ड्रॉप यहां पे हमने डाला, ठीक है, आफ्टर सम टाइम इस पूरे वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा. कैसे? ये कैसे हुआ? जो कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, मैंने तो यहां पे ड्रॉप किया था उसको, लेकिन ये क्या करेगा? इस वाटर मॉलिक्यूल्स में मूव करेगा, रैंडम मोशन में होगा, और क्या करेगा? ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल को ब्लू कर देगा. ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? ये शो करता है कि यहां पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या होता है? वो क्या होता है? स्टेशनरी नहीं होता है, वो क्या होता है? रैंडम मोशन में होता है. आप लोग देखते होंगे जब हमारे घर पे मम्मी लोग पूजा करती है, घर में क्या होता है? पूजा घर में अगरबत्ती जलाते हैं, उस अगरबत्ती का जो स्मेल है क्या होता है? आप किसी और कमरे में वहां तक पहुंचता है. कैसे होता है ये सब? जो स्मेल है वो क्या करता है? डिफ्यूज करता है एयर में और हम तक पहुंचता है. ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी पार्टिकल के, जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं. जब भी हम लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हैं, हमें क्या होता है? अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आती है. ये खुशबू क्यों आती है? बिकॉज द पार्टिकल्स, जो स्मेल है उसका, जो फूड का जो स्मेल है, डिलीशियस फूड का जो स्मेल है, वो क्या कर रहा? डिफ्यूज कर रहा है एयर में. जब वो एयर में डिफ्यूज कर रहा, वही क्या कर रहा? क्यों डिफ्यूज कर रहा? बिकॉज द पार्टिकल्स इज नॉट ए स्टेशनरी इन नेचर, नेचर दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, नाउ दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट जो भी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? जो मैटर है पार्टिकल्स से बना हुआ. अब ये जो पार्टिकल्स है, उसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स. अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, उसके बारे में देखते हैं. जैसे हम लोग देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, सबसे पहले सॉलिड लो. सॉलिड क्या होता है? मान लेते हैं दो मॉलिक्यूल, क्या होता है? दोनों के बीच में, फॉर इन द केस ऑफ सॉलिड क्या होता है? दोनों एक दूसरे से क्या होता है? अधिक क्लोजली पैक्ड होता है. जबकि ये एक
मॉलिक्यूल दूसरे से क्या है क्लोजली पैक है, तो सॉलिड का एक दूसरे के ऊपर एक वैन डेर वाल फोर्स के अट्रैक्शन से एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होता है। बिकॉज ऑफ दिस वैन डेर वाल फोर्स सॉलिड का होता है रिजिड होता है नेचर, ठीक है। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और लिक्विड में क्या होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, जो दो मॉलिक्यूल दो एटम के बीच का जो स्पेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होता है बेटा अधिक दूर पे होता है। जब गैस की बात करिए किसका है लिक्विड का, ये क्या है सॉलिड का, जब हम लोग गैस की बात करते हैं ये और भी दूर पे होता है। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में और भी अधिक डिस्टेंस पे होते हैं। अब देखो ये पार्टिकल्स ये एटम ये मॉलिक्यूल्स गैस में इतने ज्यादा डिस्टेंस पे एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड क्यों है, सिंपली क्या है जो दोनों पार्टिकल के बीच में जो एक फोर्स है वो फोर्स क्या है वीक इन नेचर है, और ये जो दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होता है बेटा सॉलिड में। दैट्स व्हाई सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं सॉलिड का जो शेप होता है जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यही चीज क्या होता है सॉलिड कंपेयर लिक्विड में जो पार्टिकल थोड़ा अधिक स्पेस पे अधिक डिस्टेंस पे लाइक करते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू सॉलिड क्या है बेटा कम है। जब हम लोग गैस की बात करते हैं तो सॉलिड लिक्विड सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में किसमें सबसे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा कम है बेटा गैस में, ठीक है। इसलिए गैस के पार्टिकल क्या होते हैं दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। एक चीज और याद रखना क्योंकि सबसे अधिक क्लोजली पैक्ड और टाइट एटम या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल किसमें होते हैं सॉलिड होते हैं, इसलिए सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस बट लिक्विड और गैस कैन बी कंप्रेस, इट कैन बी कंप्रेस बिकॉज द देयर इज ए लार्ज स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इसलिए हम लोग सॉलिड क्या बोलते हैं अनकंप्रेसिबल बोलते हैं, जैसे ये सॉलिड है क्या इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, लेकिन लिक्विड को लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस नहीं करते हैं, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस बट गैस गैस कैन बी कंप्रेस। जैसे हम लोग पिचकारी लेते हैं पिचकारी जब देखते हो क्या होते हैं पिचकारी के अंदर क्या करो एयर भरा होता है, जब हम लोग उसको उसके पिस्टन को प्रेस करते हैं तो क्या डिस्टेंस तक वो मूव कर जाता है, ठीक है। वो मूव कहां तक करता है जहां तक ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और उसके बाद उनका क्लोज आना पॉसिबल नहीं हो सकता है वहां तक वो मूव कर जाते हैं। इसी तरह जैसे हम लोग किचन में क्या देखते हैं गैस सिलेंडर होता है एलपीजी होता है बेटा, क्या होता है एलपीजी लिक्विड फायर पेट्रोलियम गैस, ये क्या करते हैं इस गैस को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं और एक पर्टिकुलर सिलेंडर में पैक करके घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि पार्टिकल्स के जो भी मैटर है उनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा चार प्रॉपर्टी को पढ़ा, पहला प्रॉपर्टी क्या था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज very very small in size, and second properties is particles of matter having a space between them, and the third properties is particles are continuously moving, they are not static in nature, and the fourth properties is particles of matter having force of attraction, aur jo force of attraction hai sabse zyada kisme hoga solid mein, uske baad liquid mein, sabse kam kisme hoga gas mein, jahan pe solid liquid cannot be compressed but gas can be compressed because there is large space between two particles of gas, that's why gas can be compressed. Now ek cheez yaad rakhna rigidity and fluidity, theek hai. Rigidity kya hota hai solid are of rigid in nature, solid are of rigid in nature and liquid and gas are उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है वो फ्लो करती है, जब किसी भी सब्सटेंस की फ्लो करने की एबिलिटी हो उसी को हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। और रिजिडिटी क्या होता है सिंपली रिजिडिटी क्या होता है टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं रिजिडिटी बोलते हैं।
जैसे ये मार्कर है, इसका क्या टेंडेंसी है, ये हमेशा अपना इसी शेप को मेंटेन करके रखेगा. दैट्स व्हाई द मार्कर इज रिजिड इन नेचर एंड इट इज सॉलिड. ओके, बट जब भी फ्लूइडिटी की बात करते हैं, लिक्विड हो गैस हो, ये क्या करता, फ्लो करता है. जब हायर स्टडी में जाओगे तो याद रखना, हम लोग सिर्फ दो क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का, एक को बोलते हैं सॉलिड, दूसरा को बोलते हैं फ्लूइड. एंड फ्लूइड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू लिक्विड एंड गैस. फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो टेंडेंसी उसकी क्या होता है, शेप को मेंटेन करने की नहीं होती है. बट सॉलिड की क्या टेंडेंसी होती है, अपने शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है. इसी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं. और जिस सब्सटेंस का शेप को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी की क्षमता ना हो, अपने शेप को मेंटेन करने का क्षमता ना हो, वो क्या कराएगा, फ्लूइडिटी कराएगा, वो क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा. ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करने जाएंगे, जब आप हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और दो स्टेट को पढ़ा था, एक प्लाज्मा स्टेट और पांचवा क्या था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट. अब कुछ हम लोग सॉलिड के प्रॉपर्टी को देखते हैं. याद रखना बेटा, ये सब आप बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड का क्या होता, फिक्स शेप होता है एंड ऑक्यूपाई फिक्स वॉल्यूम. जैसे मान लेते हैं ये मेरा ये मार्कर है, ये मार्कर का एक पर्टिकुलर शेप है. क्या इस मार्कर का शेप अलग कंटेनर में रखने से क्या इसका शेप चेंज होगा, नहीं होगा. मींस इट ऑक्यूपाइज द फिक्स शेप नो मैटर इन विच कंटेनर दिस मार्कर कैन बी टेकन. ठीक है, और अब वॉल्यूम ये क्या करेगा, फिक्स वॉल्यूम होगा. ऐसा नहीं होगा कि अगर हम लोग इसको कॉनिकल फ्लक्स में रखें, ये कॉनिकल फ्लक्स का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, नहीं बेटा, ये उसका ना शेप ऑक्यूपाई करेगा ना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. जो इसका अपना वॉल्यूम है, जो इसका अपना शेप है, उसी को रिटेन करके रखेगा. क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी. दिस सॉलिड्स क्या करता है, सॉलिड रिजिडिटी के प्रॉपर्टी के कारण सॉलिड क्या करता है, सॉलिड अपने शेप और वॉल्यूम दोनों को मेंटेन करके रखता है, फिक्स रखता है. ठीक है, और ये फिक्स होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, अब जब सॉलिड का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉलिड का फिक्स शेप होगा एंड फिक्स वॉल्यूम होगा. दूसरा क्या होगा, जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है बेटी, बेटा सॉलिड का हाई होता है. डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम गिव्स यू डेंसिटी. इसकी डेंसिटी हाई क्यों होती है, क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं, अधिक क्लोजली पैक्ड होते हैं. बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई. ठीक है, और सॉलिड क्या होगा, रिजिड नेचर होगा. रिजिड नेचर क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं. किसमें, सॉलिड के केस में. ठीक है, आज हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद जब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट में मेटल के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, हेटरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे. ये सब आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा.